ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइली अरबपति की मिल्कियत बहरी जहाज को आबनाए हरमस से गुजरते हुए कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेज हेलीकॉप्टर्स के जरिए बहरी जहाज पर उतरे और कंट्रोल संभाल लिया। कार्गो जहाज को ईरानी हदूद में मुंतकिल किया गया। ईरानी फौज के तर्जुमान ये कहते हैं कि ईरान को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइली अरबपति की मिल्कियत बहरी जहाज को आबनाए हरमस से गुजरते हुए अपने कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि ईरानी फोर्सेज हेलीकॉप्टर्स के जरिए बहरी जहाज पर उतरे और इसका कंट्रोल संभाल लिया। कार्गो जहाज को ईरानी हदूद में मुंतकिल किया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ये कहते हैं कि ईरान को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर याह्या रहीम सफवी ने कहा है कि इसराइल मुकम्मल तौर पर खौफ हिरास का शिकार है। ये नफसियाती और सियासी जंग इसराइल के लिए ज्यादा खौफनाक है। इसराइली हर रात हमले का इंतजार कर रहे हैं। हमले के पेश नजर बहुत से इसराइली बंकरों में चले गए हैं।